आज हम आलू से एक बहुत ही जबरदस्त नाश्ता या एक स्टार्टर बनाने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जब इसको घर पर बनाओगे ना, तो आप खुद की ही तारीफ करते रह जाओगे, यानी कि ये खाने में उतना टेस्टी बनता है। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर लेना। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने लिए हुए है 3 से 4 उबले हुए आलू, और इन आलूओं को पहले हमें अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ पर एक काटे वाली चम्मच की सहायता से मैं इन सभी आलूओं को अच्छे से मैश कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर आलू को ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सभी आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ 100 ग्राम पनीर, और ये जो पनीर है इसको मैंने पहले से ग्रेट करके रखा हुआ था। आप चाहो तो इस रेसिपी में यहाँ पर पनीर के साथ साथ चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसमें डालना है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो फिर आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काले मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स और काले मिर्च का पाउडर इसीलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि जो आलू और पनीर होता है ना, उसका अपना कोई ज़्यादा स्वाद नहीं होता। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो चिली फ्लेक्स और जो काले मिर्च का पाउडर है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि ये खाने में फीका ना लगे। साथ ही साथ हम इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे, और नमक की मात्रा भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि आलू और पनीर काफ़ी फीका होता है। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे लगभग 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, और फिर कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर ये आलू और पनीर का स्टफिंग बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे, ताकि ये जो स्टफिंग है ये हाथों में चिपके नहीं। और अब हमें स्टफिंग में से ऐसे मीडियम साइज के बॉल्स बनाने हैं। इससे ज़्यादा बड़े बड़े बॉल्स मत बनाइएगा, वरना फिर आपको खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर ऐसा गोल शेप ही देना है, आप चाहो तो अपने पसंद अनुसार और कोई शेप भी इसको दे सकते हो। तो यहाँ पर ये बॉल बनके रेडी हो चुका है, और इसी तरह मैंने ये बाकी सभी बॉल्स को भी रेडी कर लिया था। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे ही फ्राई नहीं करने वाले। पहले हम इसके लिए एक कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, और उसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी। और अब हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। तो लीजिए, यहाँ पर जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी है ये बनके रेडी हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे कि जो आलू और पनीर का बॉल था ना, वो हम इस स्लरी में डिप करेंगे, और इस बॉल को हम इस स्लरी में अच्छे से गीला कर लेते हैं, और उसके बाद हमें इस बॉल को ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर करना है। यहाँ पर हम इसको ब्रेड क्रम्स से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें ना, तो ये खाने में बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बन पाए। इसी तरह आपको बाकी सारे बॉल्स को भी रेडी कर लेना है, और जब सभी बॉल्स बनके रेडी हो जाए तब हम उनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें एक एक करके ये बॉल ऐड करते जाएंगे। आप इसमें एक साथ लगभग 7 से 8 बॉल ही फ्राई कीजिए। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा बॉल्स फ्राई करने जाओगे तो जो तेल का टेम्परेचर है ना, वो एकदम ही कम हो जाएगा, और जबकि बॉल्स है वो फट सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप इसमें एक साथ 7 से 8 बॉल ही फ्राई कीजिए। तेल में ये बॉल्स डालने के बाद आप गैस को स्लो या मीडियम कर लीजिए, ताकि ये खाने में और भी क्रिस्पी बन पाए। और फिर आप इनको तब तक फ्राई कीजिए जब तक ये सुनहरे यानी कि गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। इनको अच्छे से फ्राई होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए ना, तब आप इसको बाहर निकाल लीजिए। आप इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल ले, ताकि जो भी एक्सेस तेल है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर ये आलू और पनीर के बहुत ही बढ़िया से बॉल्स बनके रेडी हो चुके हैं। आप चाहो तो इनको ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन इस रेसिपी में मैं आपको इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी भी दिखाने वाला हूँ। लेकिन वो ग्रेवी देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बॉल्स है ये खाने में कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो अब हम इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी ग्रेवी बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया हुआ है लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब आपको यहाँ पर इसमें डालना है 3 से 4 बारीक कट किया गार्लिक यानी कि लहसुन, और साथ ही साथ हम इसमें 2 बारीक कट किए हरे मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज भी ऐड कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इनको हाई फ्लेम पर लगभग 30 सेकंड के लिए सौते करना है, या आप इसको तब तक सौते कीजिए जब तक जो लहसुन है यानी कि जो गार्लिक है वो हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता।
जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो गार्लिक है ये हल्का सा सुनहरा होने लगा है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा कैबेज और थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस। अब इन सभी की मात्रा कितनी लेनी है ये आपके ऊपर है, आपको जो चीज ज्यादा पसंद हो वो चीज आप यहाँ पर ज्यादा ऐड कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम इस वक्त नमक भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन नमक आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसके बाद हम इस ग्रेवी में सॉस डालने वाले हैं और जो सॉस हम इस्तेमाल करने वाले हैं उनमें भी काफी सारा नमक होता है। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हम हाई फ्लेम पर लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इनको आपको और ज्यादा देर तक पकाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर खाने में ये उतने क्रंची नहीं लगेंगे। यहाँ पर लगभग 2 मिनट हो चुकी है, तो अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, फिर मैंने ये घर पर शेजवान सॉस बनाया हुआ था वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अगर आपको भी देखना है कि घर पर शेजवान सॉस कैसे बनता है तो उसके वीडियो के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर इस ग्रेवी में थोड़ा सा टैंगीनेस लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, और आखिर में हमें यहाँ पर डालना है एकदम ही कम यानी कि 1/4 टीस्पून जितना सोया सॉस। यहाँ पर इससे ज्यादा सोया सॉस मत ऐड कीजिएगा, वरना आपकी जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही कड़वी और खट्टी बन जाएगी। अब हम इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, और अब जो आलू पनीर बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमने जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी बनाई हुई थी ना, वो कॉर्न स्टार्च की स्लरी थोड़ी सी बच गई थी, तो वो मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ, और फिर हम इसको एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो ग्रेवी है ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब जो आलू पनीर के बॉल्स हमने फ्राई किए हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, और बस फिर हमें इसको एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो नाश्ता है या स्टार्टर है ये बनके रेडी हो चुका है, और इसको गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग ओनियंस। ये जो रेसिपी है ना, इसको आप गरम गरम खाओगे ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। और अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाता हूँ ये बीच में से कैसा दिखता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर लेना।